हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम घर पे बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसानी से बनने वाले फ्रेंच फ्राइज, जो कि ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देर ना करते हुए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए हैं, तो इनको हम पील कर लेंगे। आलू को पील करने के बाद मैंने इनको थोड़ा हल्का सा वॉश कर लिया है, तो अब हम इनको फ्रेंच फ्राइज की शेप में काटेंगे। तो इस तरह से बड़े बड़े स्लाइसेस मैंने काट लिया है, तो अब हम इनको फ्रेंच फ्राइज की शेप देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसके मोटे फ्राइज नहीं बनाने, मीडियम साइज़ के हम बनाकर तैयार करेंगे इस तरह से। तो ऐसे ही हम सारे आलू को काट कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को काट कर तैयार कर लिया, एक बाउल में डालकर अच्छी तरह से इनको धो भी लिया है और अच्छी तरह से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। अब हम एक पैन में खुला पानी डाल देंगे, 3 से 4 बड़े कप के करीब, आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे। इसको पानी को हम बॉईल होने देंगे। जब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, तो हम कटे हुए जो आलू हमने काट के रखे हैं फ्राइज बनाने के लिए, वो इसमें डाल देंगे। और पूरे 5 मिनट के लिए हमें इसको बॉईल करना है। 5 मिनट से बिल्कुल भी ज़्यादा बॉईल नहीं करना, मीडियम हीट पर हम इनको 5 मिनट के लिए हल्का सा बॉईल करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इनमें से गर्म पानी निकालेंगे, इनको स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और इनमें हम फ्राइज़ को स्ट्रेन कर लेंगे और जो गर्म पानी है उसको हम निकाल देंगे। और 5 से 10 मिनट के लिए इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टीम वाला पानी मैंने निकाल दिया, हल्के से ठंडे होने देंगे। और जब ये हल्के से ठंडे हो जाएँ, तो अब हम इनको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। तो एक कॉटन का कपड़ा लिया है, उसके ऊपर हम फ्राइज़ डाल देंगे, अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और जब ये फ्राइज़ हमारे रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, तब हम इनको फ्राई करेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इनको पोंछ लिया, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं और कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होते ही इसमें हम आलू कटे हुए डाल देंगे और इनको हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई हीट पर फ्राई करना है। हमें बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हम जो फ्राइज़ बनाने जा रहे हैं उसको हम 2 बार फ्राई करेंगे। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, पहली बार हमें 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्के हल्के, जब जब वाइट ही होंगे तो इनको निकाल लेंगे। तो पहले इसको हम फर्स्ट स्टेज में फ्राई कर लेते हैं और इसको बहुत ज़्यादा ना हिलाएं, नहीं तो ये टूट सकती है। हल्का हल्का इनको हिलाएंगे, बीच बीच में हिलाते रहे। तो 3 मिनट हो चुके हैं, हल्के हल्के हमारे फ्राइज फ्राई हो चुके हैं। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैं यहाँ पे मैंने आधे फ्राइज डाले थे, हम बाकी के भी फ्राइज इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। उन्हें भी हमें पूरा फ्राई नहीं करना, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, हल्का हल्का वाइट ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे इनको, हल्का हल्का हिलाएंगे। ये फ्राइज भी हमारे रेडी हो चुके हैं, एक लेंस पेपर के ऊपर इनको निकाल लेंगे। फ्राइज हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद हम दोबारा इनको फ्राई करेंगे, इससे फ्राइज बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो हमारे फ्राइज जो है वो रूम टेम्परेचर आ चुके हैं, अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। दोबारा ऑयल को हीट करेंगे और गर्म ऑयल में हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे ना करें, मीडियम टू हाई पर हम इनको दोबारा फ्राई करेंगे अच्छे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक। जब ये हमारे फ्राइज हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए, उतनी देर तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो बीच बीच में इस तरह से हिलाते जाएंगे, ज़्यादा ना हिलाएं, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो आप देखें, बीच बीच में फ्राइज हमारे क्रिस्पी होने शुरू हो गए हैं। आप देखें, इनमें से ऊपर एक अच्छी क्रिस्पी लेयर आनी शुरू हो गई है। तो इसको हम एक लेंस पेपर के ऊपर निकालेंगे। तो ये देखिए, हमारे फ्राइज ऐसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं एक बॉल में फ्राइज डालेंगे और इसमें आप कोई भी अपनी मनपसंद की सीजनिंग डाल सकते हैं। जैसे मैं रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, थोड़ी सी ग्रीक सीजनिंग इसके ऊपर डाल रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिला लेंगे। फ्राइज में थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है, इससे क्या होगा कि जो हमने सीजनिंग डाली है वो फ्राइज के साथ चिपक जाएगी, तो जिससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसको एक प्लेट में डाल देंगे सर्व करने के लिए। आप देखें, हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी फ्राइज बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इनको ऐसे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और इनको आप हाफ फ्राई करके एक ही स्टेज में आप इनको फ्राई करें। और बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसको आप जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज भी कर सकते हैं और जब मन चाहे इनको फ्राई करके आप सर्व कर सकते हैं।
तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।